तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2023 के तहत अंग्रेजी और उर्दू विषय के नवचयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन को लेकर शुक्रवार को काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन किया गया। भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित हुई काउंसलिंग प्रक्रिया में 352 नवचयनित शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए गए। जिला परिषद की ओर से आयोजित हुई इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यवस्थित तरीके से कार्य संपादित किया गया। तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2023 लेवल द्वितीय की काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन शुक्रवार को किया गया। भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित हुई इस काउंसलिंग प्रक्रिया में नवचयनित अंग्रेजी व उर्दू विषय के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। जिला परिषद द्वारा भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित हुई काउंसलिंग प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश में रीट 2022 के तहत तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का आयोजन इन दिनों किया जा रहा है। इसके तहत हाल ही में चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करने के साथ ही उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इसके बाद इन शिक्षकों को जिलों का भी आवंटन कर दिया गया। अब जिला परिषद इन नव चयनित शिक्षकों को काउंसलिंग के जरिए विद्यालय आवंटन का कार्य शुरू किया गया है। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान शुक्रवार को भगवान महावीर टाउन हॉल में 352 नव चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। बाड़मेर जिले के सरकारी स्कूल में शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित हुई काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नवचयनित शिक्षकों की भीड़ उमड़ी। शुक्रवार को काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अंग्रेजी के 321 और उर्दू के 31 नवचयनित शिक्षकों को विद्यालयों का आवंटन किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2023 का लेवल प्रथम में 1245 नवचयनित शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी। इनके पदस्थापन आदेश अब जारी कर दिए जा रहे हैं। अब अंग्रेजी और उर्दू के शिक्षकों की काउंसलिंग शुक्रवार को पूरी हो गई। इसके बाद जिला परिषद की स्थापना समिति की अनुमोदना के बाद जल्द ही इन शिक्षकों के भी पदस्थापना आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है।